हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास एक अजर्शन है, एक रीजन है, आपको अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अजर्शन कहता है एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल ट्रू है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि आपने एक ऑर्बिटल ले लिया, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, ठीक है, एक एंड दो, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट होगी। अगर एक पॉजिटिव स्पिन में होगा तो एक नेगेटिव स्पिन में होगा। दिस वॉज सेड बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इट मीन्स इसको दूसरे तरीके से हम स्टेट कैसे कर सकते हैं कि ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट या पहला अजर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन कहता है द टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल क्रिएट्स ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। सो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनका ऑपोजिट स्पिन्स होती हैं, एक पॉजिटिव स्पिन में, एक नेगेटिव स्पिन में। तो जब ये रोटेट करेंगे अपने एक्सिस पर तो ये एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। दोनों ही अजर्शन रीजन करेक्ट है, पर रीजन जो है वो अजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।